अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप यू गाइस आर ऑल फाइन। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे दराज के सेलर फेस कर सकते हैं अपने इन दिनों में। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जितने भी दराज में स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये चीज आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए दराज के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि आप देखें आपके जो फ्लायर्स हैं, जो आपका पैकिंग मटेरियल है वो इस वक्त कितना बड़ा एक अलमिया है हमारे सेलर्स के लिए और कितना बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है, जिसका डेमो मैं आपको अभी कुछ ही देर में अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं सेलर्स के साथ, जैसे कि आपको पता है कि दराज के जो सेलर्स हैं वो लोग हर कोई तो बेमान नहीं होता, इस तरह से हर सेलर बेमान नहीं होता, इसी तरह से हर कस्टमर भी ईमानदार नहीं होता, इसी तरह से कुछ टीम के भी ऐसे लोग होते हैं जो कि कई तरह से बीमारियां कर जाते हैं। तो मैं आपको एक अभी डेमो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं एड्रेस कर दूं कि हमारे साथ नॉर्मली क्या होता है कि आप जब प्रोडक्ट किसी अपने कस्टमर को सेंड करते हैं तो अक्सर बेशतर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट करता है, जिसके पीछे कोई ऐसी खास वजह नहीं होती, लेकिन इनकेस कभी उसको कोई चीज समझ नहीं आए तो वो रिटर्न करता है और उनके रिटर्न की असर बगैर किसी इंक्वायरी के बहुत ईजिली एक्सेप्ट हो जाती है। अब उसके अंदर वो प्रोडक्ट सेलर ने सही भेजा हो लेकिन कस्टमर के एंड पर टूट गया हो, सही है, या फिर कस्टमर के एंड पर कोई चोरी हो गई हो उसके अंदर से, तो उसको दराज के जो फ्रंट डेस्क टीम है वो इस तरह से जज नहीं करती, उसको इस तरह से इंक्वायरी नहीं करती है, जिसकी वजह से सेलर को अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब किसी भी सूरत में अगर पार्सल डिलीवरी के दौरान टूट जाए, अगर पार्सल कस्टमर की समझ में नहीं आया, कस्टमर चोरी कर ले, तो उसमें सेलर ही नुकसान उठाता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे जितने भी अहबाब है, मेरे दोस्त अहबाब है, मेरे सराउंडिंग में जितने भी सेलर हैं वो इस वीडियो को आगे तक पहुंचे और उनको अभी एक रिसेंटली मैं इनके नए फ्लायर जो भी आए हैं, इसकी क्वालिटी तो प्लास्टिक की बहुत अच्छी है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ अभी आगे रहे। पहले ऐसा होता था कि ये जो इनकी ग्लू लगा होता था यहां पर कि अगर ये उंगली पर भी चुपक जाए तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता था। इनफैक्ट अगर ये कहीं आपस में चुपक जाए तो जब हम खोलते थे तो वो फट जाया करता था, लेकिन अभी इनकी क्वालिटी और इनका मयार इतना गिर चुका है कि पैसे बढ़ाने के बावजूद भी 250 रुपए के ये 50 फ्लायर मिलते थे, लेकिन अभी 380 रुपए के स्मॉल फ्लायर का पैकेट है 50 पीस का। भी आप मेरे साथ एक डेमो देखें, ये बिल्कुल नया फ्लायर है, सही है, ये मैंने इसकी अभी स्टिकर उतारा है, ये अभी मैंने फेस करी ये चीज कि मेरा पार्सल मैंने एक्सीडेंटली गलत पार्सल डाल दिया था, तो मैं उसको जब निकालने लगा तो मुझसे ये पेपर खुल गया बहुत इजीली। मतलब मैं आपके सामने अगर ये पेपर लगाता हूं, ये देखें ये मैंने पेपर लगा दिया, ये चिपक जाना चाहिए और अगर मैं इसे फाड़ू तो पेपर फट जाए, लेकिन ये नहीं खुलना चाहिए। अब आप देखें कितनी इजीली मैं यहां से इसकी ग्लू को खोलता हूं। आप बताएं हमारे पार्सल किस तरह से सेफ है इस फ्लायर के अंदर, बहुत ही इजीली कोई भी बीमारी कर सकता है, किसी के भी दिल में लालच हो सकती है, कोई भी पार्सल चेंज कर सकता है, कोई भी महंगी चीज को सस्ती चीज से चेंज कर सकता है और अल्टीमेटली क्या होगा कि सेलर ने बीमारी करी है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ये पैकेट है, सही है, ताकि कोई बीमारी ना लगे मैं आपको इसमें से एक रैंडम फ्लायर निकालकर दिखा रहा हूं, सही है, ये बहुत सारे फ्लायर है, मैंने एक रैंडम फ्लायर निकाला आपके सामने, मैं इसकी जो कवर है स्टीकर का मैंने हटाया और अब आप देखें तो मैं लगाता हूं, तो पहले वाकई में इनकी स्टिकिंग इतनी स्ट्रांग होती थी कि ये नहीं फट फ्लायर फट जाया करता था लेकिन स्टिकर नहीं उतरता था। अब आप देखें हो क्या है कि अब मैं इसको लगाने के बाद बहुत ही नया फ्लायर है, देखें आपके सामने निकाला है, इसको मैं बहुत ही इजीली खोलूंगा और ये देखें बगैर फ्लायर डैमेज हुए कितना इजीली निकल रहा है। तो भाई दराज की टीम, ये बहुत बड़ा मेजर आपका फ्लो है, ये इतनी आसानी से खुलना नहीं चाहिए, ये इतनी इजीली खुल रहा है कि मैं आपको बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा हूं, ये देखिए ये बिल्कुल साफ सुथरा फ्लायर आपके सामने हाजिर है। मतलब मैं चाहूं इसके अंदर बहुत इजीली कोई भी पार्सल डालकर, किसी की स्मार्ट वॉच है 3-4 हजार की, किसी का ओरिजिनल स्मार्टफोन है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हो सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि लोगों के पार्सल चेंज हुए, तो ये तो इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी बेसिक चीज है कि जिसके बेस के ऊपर सेलर जो है वो बेचारा रुल रहा होगा। अभी मेरे साथ रिसेंटली ऐसे वाकयात हुए कि मैंने कस्टमर को स्मार्ट वॉचेस भेजी है और वो प्रोडक्ट में से किसी का बैंड निकल गया है, किसी का कुछ निकल गया है, और अभी ये जो इतना बड़ा अलमिया है दराज का, इतनी बड़ी अपनी सर्विस दे रहे हैं दराज, यहां पर अलीबाबा ग्रुप ने इसको इवन एक्वायर कर लिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या है। ये बहुत बड़ा हमारे साथ एक आप कह लें कि
ज्यादती हो रही है और इस ज्यादती को दराज की टीम को से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये आपकी स्लर के लिए वीडियो बनाइए ना कि कोई डिफेमिंग के लिए बनाइए। तो काइंडली आप अपने फ्लायर की क्वालिटी अच्छी करें, जब आप इसके चार्जेस ज्यादा हमसे ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसके अंदर उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें। हमारे पार्सल रिटर्न आते हैं उसमें एक फ्लायर हमारा 10-15 रुपए का ऐसे ही जाया हो जाता है, इतने सारे रिजेक्ट होते हैं ऑर्डर, इसका कोई सिनेरियो आप लोगों ने कोई इसका बैकअप नहीं बनाया हुआ, कोई इसका हमारा अलग करने का सिस्टम नहीं बनाया हुआ। तो काइंडली अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। दराज के फ्लायर बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल होने वाला फ्लायर है आपका स्मॉल फ्लायर, तो इसको आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इसको आप ठीक करें और हम आपके लिए इसी तरह से स्लाइड वीडियो बनाते रहेंगे। और हम आपकी फुड टीम का हिस्सा है तो ये टीम हमारी है, तो वीडियो बनाने का मकसद कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको जल्दी से एड्रेस कर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जिससे भी इन्होंने ये ठेका दिया है उससे ये चीज ठीक करवाए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।